हमारा पास्ट इतना गंदा है कि हम उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं, तिजोरी को दूसरे तिजोरी में बंद करके रखते हैं, और फिर उसको ढेर सारे तिजोरी में बंद करके घर के किसी कोने में दबा देते हैं। देखना नहीं चाहते, ना ही हम किसी को दिखाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिवाइन होता है, खाली समझ में नहीं आ जाएगा आपको अंदर से ना। जैसे भूत प्रेत के बारे में आप लोगों को डाउट है कि क्या पता होते हो, डर है, डाउट है? मुझे नहीं, नहीं। लास्ट डरे कब थे? नहीं याद मुझे, मैं कब डरा था, बचपन में डरता था। फेलियर से डरे हैं? हाँ सर, वो भी एक तरह का भूत है। और जिस चीज़ से हम डरते हैं वो चीज़ हमारे लिए सच हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा डिवाइन फ्रैगमेंट का, स्पिरिचुअल मास्टर्स का, ताकि वो सच हो जाए, ताकि वो सच हो जाए। डॉक्टर सहर फकीरुल फुकरा के पास पहुंच गए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और उनकी एनिग्मेटिक प्रेजेंस, ऐसा प्रेजेंस जो उनके माइंड को ब्लो कर दे रहा है, उसको अनुभव कर रहे हैं। उसी में हम लोग थे कि जब आप एक स्पिरिचुअल टीचर के पास पहुंचते हैं तो आपका माइंड फटाफट ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। आप चाहें चाहे ना चाहें, बहुत पुरानी कहानी, कहावत है, कहानी नहीं कहावत है, कि जो भी इंसान भगवान से मिलता है उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक बहुत ही प्यारी कहानी थी। एक घर था जिसमें कि कहते हैं लोग भूत रहता है, तो उस घर में आकर के उसने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस घर में कोई रहता नहीं था, उजाड़ बंजर था बेचारा, बहुत गरीब आदमी था, मजबूरी थी, तो जाके रहना शुरू कर दिया। और उस भूत को लगा, अच्छा मेरे घर में रहेगा तू, तो बताता हूँ अभी। तो उसने डराना शुरू कर दिया। उस आदमी ने कहा, भैया जो भी भूत प्रेत है डरा क्यों रहे हो, सीधे सीधे बातचीत कर लो, क्या चाहते हो? तो प्रकट हो गया, बोलता घर छोड़ के भाग यहाँ से। उसने कहा, अच्छा नहीं छोड़ के जाऊँगा तो क्या कर लोगे? बोलता मार डालूँगा। बोलता जानते हो कौन हूँ मैं, देवी देवता और बड़े बड़े लोगों से जाके मेरी मुलाकात होती है। तो वो याद भी बोलता है, झूठ के कुछ भी। बोलता है कैसे प्रूव करूँ कि मेरे पास शक्तियाँ हैं देवी देवताओं से मिलने की? बोलते काम करो, तुम अगर किसी इंपॉर्टेंट देवी देवता से मिलते हो तो उससे पूछ के आओ कि मेरी उम्र कितनी है। ना ये तो बड़ा आसान है, उसने कहा। गया पूछ के आ गया, बोलता तुम्हारी उम्र 30 साल और है, 30 साल बाद तुम मरोगे। उसने कहा इतना लंबी नहीं ज़िंदगी जीनी है, गरीब हूँ, परेशान हूँ, भूखा रहता हूँ दिन भर, कुछ पैसे रुपये नहीं है, जल्दी मर जाऊँ, ऐसा कुछ इंतज़ाम करो। उसने कहा ठीक है, गया पूछ पाछ के आया। उसने कहा ना जिस भगवान से मिला हूँ, देवी देवता से मिला हूँ, बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये आदमी कहता है तब तुम चुपचाप पतली गली से निकल लो यहाँ से, क्योंकि जब भगवान हमारा कुछ नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर सकते हो। ये तो जोक था, चुटकुला टाइप का था, ये आदमी डरता नहीं रहा होगा। लेकिन कहानी ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, जेन्युइन मास्टर से मिलते हैं, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, जैसा कि डॉक्टर सहर के साथ हुआ है। बट आम आदमी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता? हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को बचाते रहते हैं, जैसे बच्चे बचाते रहते हैं अपने आप को स्कूल से, पढ़ाई लिखाई से। बाद में अगर कोई अच्छा टीचर मिल जाए और उससे हमको रियलाइज़ हो सके कि पढ़ाई असल में बोझ नहीं है, काम नहीं है, वो एक तरह की फ्रीडम है, लाइफ में एक तरह की फ्रीडम है। ये मुझे फील होता था जब जनों का पढ़ना शुरू किया, उसके बाद और किताबें पढ़ना शुरू किया। एक अपनी मिस्टेक मैं ठीक करना चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि अगर कोई स्पिरिचुअल टीचर हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, जिसके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं, तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये आधी बात है, कोई भी आदमी हमारे लाइफ में आता है, उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है। कोई भी, हमारा ब्रेन बहुत सॉफ्ट मटेरियल का बना है,
और वो आसपास के लोगों की वजह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत संभाल संभाल के आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी संगत में रहें, किसकी प्रेजेंस में रहें। और मुझे लगता है जब पहली बार मुझे डॉक्टर सहर का ये बातचीत सुनने को मिला तो मैं भाग गया वहाँ से, अपने सारे फ्रेंड्स से तुरंत वहीं से गायब हो गया मैं। आई स्टॉप्ड बीइंग अवेलेबल फॉर देम। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। स्टॉप बीइंग अवेलेबल फॉर पीपल विथ होम यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि हर कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है। डॉक्टर सहर ने लास्ट में, हमने कल पढ़ा था, बोल रहे थे, फ्रॉम हिज पोजिशन ऑफ स्पिरिचुअल एमिनेंस, सीरीन, फ्री एंड पोसेस्ड ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग विजडम, ही सीम टू हैव परस्पेक्टिव ऑफ हेवनली बीइंग्स। देखिए, अभी अभी हम लोग यहाँ बैठे बातचीत कर रहे थे और एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में गौरी के लिए ख़राब ख़राब किसी ने बोला, तो गौरी डिस्टर्ब्ड हो गई ना। हम भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गए, बिकॉज आपके डिस्टर्ब होने से इस कमरे का एक माहौल डिस्टर्ब सा हो गया। उसमें से निकल करके लेट्स नॉट बी अवेलेबल टू डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को देखें कि स्पिरिचुअल मास्टर सीरीन थे, फ्री थे और उनके अंदर में ऑल एम्ब्रेसिंग विजडम थी। ऑल एम्ब्रेसिंग विजडम समझते हैं क्या होता है? सब चीज़ को, हर चीज़ जानने वाला, अच्छा, सब कुछ एम्ब्रेस करने वाला, सबको एक्सेप्ट करने वाला। दिस वॉज नो मेयर प्रीचर ऑफ डॉगमाज। ये आदमी केवल डॉगमास का प्रीचर नहीं था। डॉगमास मतलब? डॉगमास मतलब खाली बातें, घिसी पिटी बातें, जिसका रियल मतलब कुछ नहीं होता। जैसे कोई आदमी आपसे कहे, अरे हम सबके अंदर में आत्मा है, राम नाम सत्य है, तो केवल डॉगमा है। डॉगमा मतलब बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो जबरदस्ती की चिपकाई हुई बातें हैं। उसमें ना हमको बिलीफ है, ना उसको हमको रियलाइजेशन है। तो ये आदमी केवल डॉगमास का प्रीचर नहीं था। ही रेडिएटेड लाइट। इस आदमी के अंदर में से लाइट निकल रही थी। लाइट मतलब ये मत सोचिएगा आंखों को चकाचौंध करने वाली लाइट। लाइट है आपके थॉट्स को चकाचौंध करने वाली, आपकी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस को आपको ही दिखा पाने वाली लाइट। रेडिएटेड की क्या है? रेडिएट, सूरज में से जो रोशनी निकलती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। इस आदमी के अंदर से लाइट निकल रही थी, हमारे अंदर से होके जा रही थी। हाँ, देखिए मैं फिर से कहूँगा, ये वो लाइट नहीं है जो सूरज की लाइट है। आप जैसे मेरे साथ बैठे और आप कंफ्यूज्ड हैं, उस कंफ्यूजन पे लाइट, उस कंफ्यूजन पे लाइट गिरे और आप अचानक से फ्री हो जाए उस कंफ्यूजन से, क्लैरिटी मिलना। हाँ, दिस वॉज ही वॉज ही यूनिक। तब सहर जी के मन में सवाल आ रहा है, क्या ये आदमी यूनिक है, बहुत अलग है क्या? ओनली टू मी I felt sure, मुझे तो लग रहा है बहुत यूनिक है। Why should there not be radiant beings? हमारे आसपास में बहुत परेशान और बहुत ख़राब लोग भी हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर हमको कभी भी विश्वास तो छोड़िए, कभी डाउट भी नहीं होता कि दुनिया में किस टाइप के लोग हैं, रेडियंट beings। हम फिल्मों में देखते हैं, और हमेशा शायद फिल्में इसलिए देखते हैं, हीरोज़ की फिल्में देखते हैं, ताकतवर लोगों की फिल्में देखते हैं, सुपर हीरोज़ की फिल्में देखते हैं। हम चाहते हैं अंदर से कि रेडिएंट बीइंग्स हमारे आसपास हो, हमारे कांटेक्ट में हो। तभी हम दूर दूर तक मंदिरों में जाते हैं, भीड़ रहती है पहाड़ों में, चर्चेज में, मॉस्क्स में, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, रेडिएंट बीइंग्स के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और यहाँ पर इनके बारे में सहज जी को लग रहा है कि क्यों नहीं होना चाहिए दुनिया में रेडिएंट बीइंग। और पता है, आपको अगर भरोसा होगा कि हाँ दुनिया में रेडिएंट बीइंग्स होते हैं, तभी आप उनको सर्च करेंगे और तभी आप उनको पाएंगे। सच आर नॉट एनिग्मेटिक, दे आर ट्रांसपेरेंट, विच इज़ द हाइएस्ट स्टेट ऑफ मिस्टिसिज्म। फिर सहर जी के मन में आया कि ये लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, छुपा के नहीं रखते होंगे, ये लोग ट्रांसपेरेंट होंगे। आप देखिए, कभी छोटे बच्चे के साथ बैठिए, तो बहुत छोटे बच्चे के साथ, तो कुछ देर के लिए आप भूल जाते हैं अपनी परेशानियाँ, उनकी प्योरिटी आपको टच करती है। ऐसे ही किसी भी आदमी के साथ अगर वो अंदर से बहुत शांत है, तो आपको उसकी शांति बहुत आसानी से दिख जाएगी। कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दिख जाएगी। और ख़ासतौर से अगर मिस्टिक है, कोई एनलाइटेंड आदमी है, तो उसकी प्रेजेंस में क्यों नहीं पता चलना चाहिए हमको? और अगर हमको नहीं मालूम पड़ता, इसलिए नहीं मालूम पड़ता क्योंकि हम अपने अंदर में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, परेशान हैं, परेशान हैं।
देर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट देम। सहर जी कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा यार, उनके बारे में कोई मिस्ट्री नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं और किसी को नहीं मिलना चाहते, ऐसा नहीं है। दे आर इन ओपन परपेचुअली ऑन व्यू, ये लोग ओपन में रहते हैं, हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, जैसे सूरज है, जैसे नदियाँ हैं। इफ वी फील रिमूव्ड फ्रॉम देम इट इज़ ओनली बिकॉज वी कैनॉट एक्सेप्ट देयर डिवाइन सिंप्लिसिटी। और अगर हमको लगता है कि हम उनसे दूर हैं, वो हमको हमसे बहुत दूर हैं, वो इसलिए क्योंकि हम उनकी डिवाइन सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोग जनोगा में कोर्सेज में जुड़े हैं और बहुत से लोगों के कमेंट देखेंगे तो लोगों को लगता है अरे आप एनलाइटेंड हैं, एज इफ एनलाइटेनमेंट कोई ब्रांड है जिसको आप कपड़े पर चिपका देंगे और उस तब जा कर के आपको पक्का होगा। हम अंदर से अवेलेबल नहीं होते, हमको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। ये जो ल्यूमिनस बीइंग्स हैं, जो चमक चमक है इनके अंदर में, एनलाइटन लोग अब एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। सहर जी ने मान लिया कि हाँ होते हैं दुनिया में, और ये मेरे सामने फकीरुल फुकरा वही एनलाइटन है। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये लोग किस चीज़ से एनलाइटेंड होते हैं, किस चीज़ से इनके अंदर में चमक आती है, वो कौन सी चीज़ है जिसको जो हमारे अंदर कम है इनके अंदर ज़्यादा है। किसी स्किन क्रीम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तुम्हारी स्किन ग्लो हो जाएगी, नहीं। दे आर अ फ्लेम विथ लाइफ, ये लोग चमकते रहते हैं, जलते रहते हैं, किस चीज से? लाइफ से। दे रेडिएट अनएंडिंग ब्लिस, उनके अंदर से निकलती है ब्लिस, और वो भी ऐसी जो अनएंडिंग है, कभी खत्म ना होने वाली ब्लिस। दे नो अ सेरेनिटी एंड जॉय ओनली टू बी एक्सपीरियंस्ड अबव द केओस ऑफ मैनकाइंड। ये भी ये जो क्वालिटी है ना जो मास्टर्स के पास होती है, हमको इसका स्वाद लेना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति ऑलमोस्ट कुछ नहीं करते थे, आते थे, लेक्चर देते थे, पहाड़ों में रहते थे, वॉक करते थे, नेचर के पास रहते थे, खाने पीने में ठीक है, जो सिंपल खाना खा लिया खा लिया, फिर लोगों से बातें करते थे, लिखते थे, लेकिन कोई नौकरी नहीं करते थे। वो बोलते थे मैं 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं थे, वो क्या थे? ही वॉज फुल ऑफ सीरेनिटी एंड जॉय, इसीलिए लोग उनसे मिलने आया करते थे। बहुत पैसे वाले लोग उनसे मिलने आते थे, गरीब इंसान उनसे मिलने आते थे, किस चीज़ के लिए? सीरेनिटी और जॉय के लिए। और उस सीरेनिटी और जॉय के लिए वो अपने आप को तैयार करते थे। इसलिए कभी आप जाएंगे हमारे साथ, आप चलेंगे बनारस या वहाँ चलेंगे चेन्नई, वहाँ चेन्नई में भी है, उनकी जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे कितना डिफरेंट है, एक कृष्णमूर्ति फाउंडेशन या रमण आश्रम, एक 5-star होटल से कितना डिफरेंट है। यहाँ पर लोग हैं जो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के दे सकते हैं, आप घंटी बजाएंगे तुरंत एक नौकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आश्रमों में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर सीरेनिटी और जॉय होता है। सीरेनिटी और जॉय क्या है? ये वो चीज़ है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्मल केओस ऑफ माइंड काइंड के ऊपर, जो हमारी नॉर्मल केओस है लाइफ की, जो अभी भी आपने एक्सपीरियंस किया उस फ़ोन कॉल से, वो एक नॉर्मल केओस है। आप तो कह रही हैं कि एक ऐसी इंसान जो मेरे बारे में कुछ जानता है या जानती है वो मुझे बुरा कैसे कह सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फेमस हो जाएं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा, तो लोग ट्रोल पे ट्रोल करना शुरू कर देंगे, पता है आपको, बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे आपको, क्योंकि जो आदमी आपको थोड़ा भी जानता है वो आपके बारे में स्ट्रांग ओपिनियंस बनाता है, और वो अपने ब्रेन में से ऐसी वेव्स भेजता है थॉट्स के ज़रिए कि आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं द केओस ऑफ मैनकाइंड। और इसी गंदगी में, इसी दलदल में हमको जीना पसंद है। एक जानवर जो कि गंदगी में रहता है, सुअर रहता है गंदगी में, ऐसे ही हम भी इसी केओस में, मैनकाइंड के केओस में रहना पसंद करते हैं। और कह रहे हैं कि ये मास्टर्स इतना शांत रहते हैं फिर भी ह्यूमन फैमिलीज के लिए कमिटेड रहते हैं, मतलब इनको कोई ज़रूरत नहीं है आकर के लोगों से, आम आदमी से बात करने की, फिर भी आकर के ये बातें करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। दे आर द गॉडमैन, डिवाइन येट ह्यूमन, यही लोग हैं जिनको आप बोल सकते हैं गॉडमैन, ईश्वर, ईश्वर के रूप में इंसान, और ये लोग इंसान के रूप में डिवाइन हैं।
क्लोजर टू मी देन माई ओन स्किन, क्लोजर देन माई ईगो, ये मुझसे मेरे नज़दीक है, मेरी अपनी चमड़ी से भी ज़्यादा नज़दीक है, मेरी अपनी ईगो से भी ज़्यादा नज़दीक ये है। देखिए एक एक अक्षर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि मैं इसको अवेलेबल रहना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी मेरी कोई बुराई करता है ना और उसने एक डिटेल चिट्ठी लिखी है, उसमें ढेर सारी गालियाँ लिखी हैं, तो मैं उसमें एक एक अक्षर को एनालाइज कर करके नहीं पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज मैं उसको अवेलेबल नहीं रहना चाहता। गालियाँ हमारे ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज करती है, जैसे कोई सुई है और सुई चुभ दीजिए तो खून निकलता है, दर्द होता है, ऐसे ही शब्द भी होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आप किसके लिए अवेलेबल हैं। और जब किसी आदमी की कोई बात हर्ट करे तो एक लंबी सांस लीजिए और उसके बाद उस आदमी की बातचीत को सांस में रोकिए और इकट्ठा कर लीजिए और फेंक दीजिए, फेंकिए, स्टार्ट। चलो उस आदमी को इमेजिन करिए, उसकी सारी बातचीत इमेजिन करिए और पूरा कचरा, ह्यूमन काइंड का मैन फोर्स और फेंक दीजिए। तो गया तू यार। आई वॉन्ट अस टू बी अवेलेबल फॉर डिवाइन, नॉट केओस ऑफ मैन काइंड। सेठ जी कह रहे हैं हिज एमिनेंस वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट मी। देखो ये नहीं कह रहे हैं कि मास्टर वॉज लुकिंग एट मी, कह रहे हैं उनकी एमिनेंस मुझे देख रही थी, उनकी ऊंचाई, जैसे कोई पहाड़, बड़ा सा पहाड़ हमको देखे या सूरज डायरेक्टली हमको देखे उसकी आंखों से, उनकी एमिनेंस मुझे सीधे देख रही थी। हिज गेज मेड इट क्लियर ही डिड नॉट फियर टू फेस द वर्ल्ड। हम जब दुनिया को देखते हैं तो डरते रहते हैं, लेकिन जब मास्टर की आंखें इनको देख रही थी तो इनको साफ था कि ये दुनिया से डरते नहीं हैं। ही हैड नीदर रिजेक्टेड द वर्ल्ड नॉर रिनाउंस्ड इट। आम साधु संन्यासी, आम एकदम मीडियोकर साधु संन्यासी दुनिया को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन जो रियल साधु होते हैं जैसे ये हैं, उन्होंने दुनिया को रिजेक्ट नहीं किया और दुनिया को रिनाउंस नहीं किया। रिजेक्ट करना और रिनाउंस करना अलग होता है। रिजेक्ट करना मतलब अरे बेकार है दुनिया में, छोड़ रहा हूँ। रिनाउंस करना मतलब अब मैं इंटरेक्ट नहीं करूँगा ह्यूमन सिविलाइजेशन से। रिजेक्ट करना मेंटल एंगर है, जैसे मैं आपको बुरा बुरा बोलूँ तो आई एम रिजेक्टिंग यू। रिनाउंस करना मतलब मुझे आपसे बात ही नहीं करना, मैं आपकी लाइफ में ना तो मैं आपकी लाइफ में, ना तो आप मेरी लाइफ में। तो ये मास्टर ने इस दुनिया को ना रिजेक्ट किया है ना रिनाउंस किया है, और उन्होंने एक तरह से अपील किया मास्टर ने कि मैं इसी दुनिया का हिस्सा हूँ। अरे जैसे माउंटेंस इस दुनिया का हिस्सा है, माउंटेंस की वजह से ये दुनिया और खूबसूरत होती है, आसमान की वजह से ये दुनिया सस्टेन करती है, ऐसे ही मैं खुद इस दुनिया में जैसे माउंटेंस हैं मैजेस्टिक हूँ और अबाइडिंग हूँ, इस दुनिया को मैं धारण करता हूँ और मैं इसी दुनिया का पार्ट हूँ। माइक्रोस्कोपिकली ही वॉज द वर्ल्ड। और अगर तुम मुझे देख सको ध्यान से, जैसे कृष्ण की है ना बचपन में कहानी थी, उनकी माँ ने उनको मिट्टी खा रहे थे वो, तो उनकी माँ ने बोला मुँह खोलो, पता है मुँह खोला तो उनके मुँह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड था, वो तो चक्कर खा के गिर गई। तो बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली ही वॉज द वर्ल्ड, अगर कोई उनको देख सके ध्यान से तो वो खुद ही पूरा संसार थे। इन हिम वॉज ऑल दैट एवर कुड बी ऑफ क्रिएशन, उनके अंदर में जो कुछ भी इस क्रिएशन में हो सकता है वो सब कुछ था। आई वॉज फ्लाइंग हाई इन मेटाफिजिकल रीजन्स बट द मैन इन फ्रंट ऑफ मी वॉज बियॉन्ड सच स्टूपिड ड्रीमिंग्स। बोलते उस आदमी को देख करके मैं इतना मेटाफिजिकल ड्रीम में घुस गया था, आसमान, संसार, देवी देवता और इस तरह की ढेर सारी कहानियाँ, इस तरह की बातों में खो गया था, लेकिन ये आदमी फालतू की बातचीत में खोने वाला नहीं था, इसके बियॉन्ड था। एक सुनिए, मास्टर भी कुछ बोलने वाले हैं। ही इन्फॉर्म मी एंड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ वर्ड्स, इन्होंने मुझे कुछ बताया, मास्टर ने मुझे कुछ बताया और शब्दों से नहीं, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ वर्ड्स। हम लोग पढ़ रहे थे जैड में कि वर्ड्स होते हैं, आइडियाज होते हैं और रियलिटी होती है, तो मास्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया और वो भी बिना शब्दों के, दैट मैन कैन डू वन थिंग ओनली एंड दैट इज द ओनली थिंग वर्थ डूइंग। अगर आप या कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने पर्पस को खोज रहा है, तो उसके लिए ये मैसेज है कि इंसान केवल एक चीज़ कर सकता है,
ही कैन डू वन थिंग ओनली, और इसी चीज़ को करने के लिए वो पैदा हुआ है और यही चीज़ करने लायक है, इसके अलावा कोई और चीज़ करने लायक नहीं है. दैट इज़ टू क्लीन द विंडो ऑफ हिज सोल टू एडमिट द लाइट. उसको अपनी सोल का जो विंडो है, खिड़की है, उसको साफ करना है ताकि उसके अंदर से लाइट बाहर निकल सके. दैट द हेवन्स दैट इज एवरीवेयर अबाउट अस कुड वी सी कुड वी बट सी इट माइट एस्टैब्लिश इट सेल्फ इन आर सेल्व्स. ताकि हमारे आसपास में जो भी खूबसूरत है, जो भी खूबसूरती है, हेवन है, वो हमारे अंदर एस्टैब्लिश हो सके. आई वॉज एट द हार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस. मास्टर की प्रेजेंस में मैं एकदम ट्रांसफॉर्म हो रहा था पूरी तरह से, कड़कड़ 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 जैसे मशीन चलती है और कुछ अंदर से बदलता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था. ऑल वॉज डेथ एंड ट्रांसफिग्रेशन. जो कुछ भी मेरे अंदर में खराब था वो सब मर रहा था और नया नया चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा था. फेसिंग हिम वॉज स्पिरिचुअली एग्जॉस्टिंग. उनको फेस करना एकदम स्पिरिचुअली एग्जॉस्टिंग था, थकाऊ था स्पिरिचुअली. एंड येट आई एक्सपीरियंस अ नॉवल सॉर्ट ऑफ पीस. लेकिन फिर भी मुझे एकदम नया तरीके का पीस महसूस हो रहा था. द एग्वार ऑफ द डीपर एंड मोर एंड्योरिंग सेरेनिटी. एग्वार मतलब होता है साइन, प्रोफेटिक साइन. जैसे किसी को देख करके कोई कहे कि ये बच्चा तो भविष्य में चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो प्रोफेटिक साइन है. तो बोलते हैं जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई बहुत गहरी चीज़ थी. एग्वार ऑफ डीपर एंड मोर एंड्योरिंग सेरेनिटी. और एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बता रही थी कि आगे आने वाले कई सालों तक, पता नहीं कब तक, मैं बहुत सीरीन रहने वाला हूँ. इसलिए मैंने कहा था दिनेश अग्रवाल जी को कि बाबा अब अगले 10,000 साल तक मुझे क्या करना है, मुझे पता है, मुझे शांत रहना है. मुझे नहीं पता था कि मुझे काम करना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे पेशेंट देखना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे वीडियो बनाना है, ये सब नहीं पता था. मुझे पता था कि मुझे अगले कई हज़ार सालों तक शांत रहना है. इट वॉज द पीस ऑफ अ मैन हु वॉज समहाउ एबल टू रिकनसाइल हिज पास्ट विथ हिज प्रेजेंट कंडीशन. और इसको सुनते ही मैं वही कर गया जो इनके साथ हुआ था. उसी मोमेंट पर मेरे साथ भी वो हो गया. कह रहे हैं ये जो आदमी मेरे सामने है, इस आदमी की पीस पता है कौन सी पीस है? ये वो पीस है जिसने किसी तरह से अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ रिकनसाइल कर लिया है. हमारा पास्ट इतना गंदा है कि हम उसको एक तिजोरी में बंद करके रखते हैं, उस ताले को, तिजोरी को दूसरे तिजोरी में बंद करके रखते हैं और फिर उसको ढेर सारे तिजोरी में बंद करके घर के किसी कोने में दबा देते हैं. देखना नहीं चाहते, ना ही हम किसी को दिखाना चाहते हैं. लेकिन इस आदमी ने अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ रिकनसाइल कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है. अब उसके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो कंप्लेन कर सके, ख़त्म हो गई. बट वॉट अ फ्यूचर. सहर जी बोलते हैं लेकिन फ्यूचर का क्या, ऐसे इंसानों का फ्यूचर क्या होता होगा? जो लोग जिनका पास्ट एकदम हील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ऐसे आदमी का फ्यूचर क्या होता है? हैज़ नॉट अ मैन रिकलेक्शन ऑफ फ्यूचर. क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी इंसान को फ्यूचर का भी रिकलेक्शन हो सके, भविष्य को भी हम देख सकें? आउट ऑफ, तो सुनिए ध्यान से, आउट ऑफ मिसप्लेस्ड कॉशन वी कॉल दिस टाइप ऑफ मेमोरी प्रीविजन. हम लोग बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं, हम लोग डरते हैं. हमारे पास, इंसानों के पास जो भाषा है ना, डरपोकों की भाषा है. इसलिए हम जब भविष्य को रिकलेक्ट करते हैं, जब भविष्य को याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको प्रीविजन बोलते हैं. प्रीविजन मतलब भविष्य देख लिया. अरे भैया, पास्ट को देखना और भविष्य को देखना एक ही समान है, क्योंकि हम इनसे अलग हैं. ये थॉट्स से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है. थॉट्स केवल पास्ट को देख सकती है, बट अवेयरनेस भविष्य और पास्ट दोनों को देख सकती है. दीज आर रेयर फ्लैशेज इंक्लूड ऑल दैट कैन बी इन टाइम. उस्ताद एक्सप्लेन्ड. उस्ताद ने मुझे एक्सप्लेन किया. ये सब शब्दों से नहीं बताया, ऐसे ही बताते गए कि जो कुछ भी भविष्य में होता है वो सब रेयर फ्लैश होती हैं, चमक होती हैं. जैसे कोई लाइट चमकाई आप कहीं, जो कुछ भी समय की सीमा में बंधा हुआ है उसको तुम देख सकते हो, उस्ताद ने समझाया. चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो. नॉर इज दिस क्वेसी ओमनिसेंस लिमिटेड, इम्पेरिड और बैफल्ड बाय अवर आर्टिफिशियल डिवीजन ऑफ टाइम इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और बोलते हैं ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये कोई आधी अधूरी ओमनिसेंस नहीं है. मतलब क्वेसी ओमनिसेंस मतलब एक ऐसी शक्ति जिसमें आप सब कुछ जानते हैं, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को. ये ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं बस, ऐसा नहीं है.
इट इज़ नॉट लिमिटेड। ये हमारी, हम इंसानों की, हमारे माइंड की जो आर्टिफिशियल डिवीजन है टाइम का, हमने इंसानों ने ज़बरदस्ती टाइम को डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग ज़मीन को डिवाइड कर चुके हैं, समुंदर को डिवाइड कर चुके हैं, पता है समुंदर को हमने डिवाइड कर रखा है। एक समुंदर का नाम इंडियन ओशन है, एक का नाम पैसिफिक ओशन है। कैसे डिवाइड करेंगे आप? आसमान को कैसे डिवाइड करेंगे आप? लेकिन इंसान करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो बोलते हैं जिस किसी, हम लोगों ने अपने आर्टिफिशियली डिवाइड कर रखा है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन इससे हमारी पॉसिबिलिटी, भविष्य को, पास्ट को और फ्यूचर को जानने की पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। इंटरनेट का ज़माना है और हम सोचते हैं पासवर्ड लगा लेंगे और सेफ है। जो हैकर से बोलेंगे भैया ये क्या है। नॉर फॉर दैट मैटर बाई एक्सपीरियंस ऑफ डेड इल रिमेंबर्ड और फॉरगॉटन पास्ट। और ठीक ऐसे ही अगर भविष्य को जाना जा सकता है तो पास्ट का भी, जो कुछ भी भूला भटका चीज़ है वो सब कुछ आप जान सकते हैं या आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे। उस्ताद सेड, ये वर्ड बहुत, ये सेंटेंस बहुत मुश्किल था, इसको मैंने बहुत दिन तक खोजता रहा, तब जाके थोड़ा बहुत मतलब समझ में आया था मुझे। उस्ताद ने कहा, एमनीजिया इज अ रिएक्शन ऑफ अ सेंसिटिव माइंड ओवर टैक्स्ट। एमनीजिया मतलब याददाश्त का चला जाना, मेमोरी लॉस। एमनीजिया क्या है? एक रिएक्शन है एक ओवर टैक्स्ड माइंड का। जब अपने माइंड से बहुत ज्यादा थॉट करवाते हैं तो एमनिस्टिक हो जाता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। जैसे कोई आदमी बहुत परेशान हो तो चीज़ें भूल जाता है, कहीं रख के कुछ भूल जाएगा। जब हम कभी बहुत परेशान हो, एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम के टाइम पर दिमाग क्या करता है? इट इज ओवर टैक्स्ड, बहुत ज़्यादा काम करता है। तो पता चला पेंसिल ही भूल गए, हॉल टिकट भूल गए, एग्जाम में जाना है, नाश्ता करना भूल गए, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो एमनीजिया क्या है? रिएक्शन। और ये एमनीजिया खाली रोज़मर्रा की लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा ओवरटैक्स्ड है इस लाइफ में कि वो पास्ट को और फ्यूचर को देखना भूल गया है, वो एमनीजिया में चला गया है। जैसे भैया हम हाथ पैर को बहुत चलाएं तो चलना बंद कर देता है, थक जाता है। लेकिन मास्टर कह रहे हैं, अ पावर कैन बी एक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑल द हिप्नोटिक ब्लॉक्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ मेमोरी इन बोथ डायरेक्शंस। एक पावर एक्वायर की जा सकती है, पाई जा सकती है हमारे अंदर के हिप्नोटिक ब्लॉक्स को हटाने के लिए। हिप्नोटिक ब्लॉक्स मतलब केवल सम्मोहन का ब्लॉक है। सम्मोहन मतलब होता है आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया, तुम बचपन में चले गए हो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम छोटे बच्चे से बिहेव करोगे। या हिप्नोटिज्म में आपको दे देंगे प्याज और बोलेंगे ये प्याज नहीं है, ये सेब है, मीठा सेब है, और उसको आप ऐसे खा लेंगे। ब्रायन वीस ने किया था। हाँ, तो हिप्नोटिक ब्लॉक्स होते हैं हमारे अंदर में, झूठ मूठ के ब्लॉक्स होते हैं बोलते हैं उसको। एक पावर ऐसी है जो उसको हटाया जा सकता है और आप मेमोरी के फ्री फ्लो को देख सकते हैं, पास्ट के और फ्यूचर के दोनों को। प्रोवाइडेड, इतना तक बोला तब तक से, ये जो कुछ ट्रांसफ़र हो रहा था वो रुक गया, जो बोल रहे थे उसको रोक दिया गया। किसी ने कहा आइए चलिए, दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, और मेरा हाथ और मेरे पैर दोनों में चोट थी, मोच थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और फिर मैंने जब देखा एक बड़ा सा मैजिस्टिक डाइनिंग हॉल में मुझे शेपर्ड किया गया, मुझे हाँका गया, अंदर ले गया, ले जाया गया। और जब मैंने अपना हाथ धोया तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था एक नैपकिन पे, और इससे मुझे और सरप्राइज हुआ, डॉक्टर पी जे सहर। ये थी हमारे डॉक्टर सहर की और फ़कीरुल फुकरा की मीटिंग, और इसी के साथ आपकी भी, आपके मास्टर से मीटिंग।